है गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने YouTube चैनल पे नहीं दी होगी, जिससे आप अपने घर के कलर्स को सिर्फ और सिर्फ इतने सेकंड्स में फाइनल कर पाओगे। तो जानना चाहोगे ट्रिक, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं इंटर कोच पे, और मैं इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका और डिजाइन हमारा। तो उसमें होता क्या, दो टर्म्स को हम यूज करते हैं, एक होता है कलर पैलेट और एक होता है मटेरियल मूड बोर्ड। कलर पैलेट का मतलब ये हो गया कि हम अगर सपोज करो ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम के अंदर मेन वॉल पे क्या कलर रहेगा, जैसे सोफे के पीछे वाली वॉल पे क्या कलर रहेगा। और मटेरियल मूड बोर्ड जो होता है वो होता है कि फिर सोफे का कलर क्या रहेगा, रग का कलर क्या रहेगा, और अगर कुछ वुडन का लेमिनेट लगाने वाले तो उसका कलर क्या रहेगा। आई नो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको समझ आता रहेगा। तो ये था फर्स्ट जो टेक्निकल पार्ट था। सेकंड टेक्निकल पार्ट होता है कि हम कलर को जब भी किसी एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए चूज कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, या फायर एरिया हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हम कलर को थ्योरी में लेके चलते हैं। और उस थ्योरी को हम बोलते हैं 3 सेगमेंटेशन थ्योरी, मतलब कि 60%, 30% एंड 10%, जहां पे 60% कलर जो होता है वो होता है प्राइमरी कलर, जैसे कि वॉल्स का या सीलिंग का कलर हो गया। सेकेंडरी जो कलर होता है, जो 30% यूज होता है, वो होता है हमारा जैसे आपका सोफे के कलर्स हो गए या वॉल का बेस कलर हो गया। और जो थर्ड होता है उसे हम बोलते हैं 10% जो होता है वो होता है एक्सेंट कलर्स, मतलब कि किसी चीज में थोड़ी सी जान या कलर भरने के लिए। बस टेक्निकल पार्ट यहीं तक था, अब आपको सारी चीजें ऐसे समझ आएंगे। तो स्टेप वन पे आते हैं सीधा, वो होता है एस्टेब्लिश द मूड और फील, मतलब कि आपको अपने घर से जब उसके अंदर हम आए तो वहां पे हमें कैसा मूड मिलना चाहिए। अभी आप जिस घर में रहे हो या जिस जगह पे बैठे हो, अगर आप अपने घर से वीडियो ये देख रहे हो, तो उस रूम में या ड्राइंग रूम में आप एक चीज नोटिस करो, क्या उस रूम की चीजें, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रही है। क्या वो लाइटिंग है, क्या वो वॉल का पर्टिकुलरली कलर है, क्या आप उस कलर से बोर हो गए हो। अब इस पर्टिकुलर जो आपने अपना रूम देखा, इसमें से जो चीज आपको बेस्ट लगी कि नहीं यार मुझे जो सोफा है ना ये अच्छा लग रहा है, या ये सोफे का कलर अच्छा लग रहा है, या इस पे जो कुशन रखा हुआ है उस कुशन का कलर अच्छा लग रहा है, तो वो तीन चीजों के आप पॉइंट्स को लिख लो। कम ऑन, वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और एक्चुअल में लिखो, और फिर देखना जो मैंने टाइम आपको बताया है ना, उतने में ही आप अपने घर के कलर सेलेक्ट कर लोगे। तो वो तीन चीजें हमने लिख ली कि हमें क्या कौन सी चीज पसंद आई। अब हम आते हैं फाइंड एन इंस्पिरेशन स्टेप टू पे, मतलब कि अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है गूगल पे, तो आपको वहां जाके लिखा कि भाई ड्राइंग रूम डिजाइंस। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे यहाँ पे 5 फोटोज को सिलेक्ट करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें सिलेक्ट कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब 5 फोटोज को ढूंढना कैसे है, वो ट्रिक क्या है कि आपने अपने घर में से जो अभी चीज अच्छी लग रही है, एग्जाम्पल के तौर पर ड्राइंग रूम डिजाइन, तो पहली पिक ढूंढा विद येलो कलर वॉल, ड्रॉइंग रूम डिजाइन विद ब्लू कलर पेंटिंग, तो जो भी चीज आई आपको 5 फोटो निकालनी है, उसमें से एक एक फोटो निकालना एक टर्म के साथ, और वो 5 फोटोज को एक पर्टिकुलर फोल्डर में आपको सेव कर लेनी है। तो स्टेप 3 के केस में अब वापस से वो फॉर्मूला याद करो, 60 30 10। अब आपके केस में आप कहते हैं यार मनीष हमें ना फ्लोरिंग हमारे ऑलरेडी हो रखी है, तो मुझे फ्लोरिंग तो चेंज नहीं करनी है, तो आपका फ्लोरिंग वही हो गया। अब आपके तो सीलिंग हमारी वाइट है, हमें वो भी नहीं चेंज करना है, तो आपका जो सेकेंडरी कलर है, मतलब कि 30% वाला जो कलर है, वो ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक कलर तो फाइनल है, अब इस फ्लोरिंग और सीलिंग के कलर से मैच होते हुए हमें अपना प्राइमरी कलर और जो वाइब्रेंट जो 10% कलर है उसको चूज करना पड़ेगा। अब आता है हमारा स्टेप 4 कि हमें जो बाकी के कलर्स है, मतलब प्राइमरी कलर्स और हमारे एक्सेंट या वाइब्रेंट कलर्स, उनको चूज करना है। बट यार एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट में 16 मिलियन कलर्स के शेड है, तो आप कैसे पता लगाओगे यार हमें कौन सा कलर है, क्योंकि आपने अगर 5 फोटो सेलेक्ट करी है तो वहां भी आप फंस जाओगे, राइट। तो अब जो हमने वहां पे वो 5 फोटो सेलेक्ट करी थी उसका यहाँ काम आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से हम चलते हैं सीधा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, वहां से आपको इजी समझ आ जाएगा। और यहाँ से मैंने लिखा है कैनवा कलर जनरेटर, ये गए हम कैमरा कलर जनरेटर। अब हमने जो 5 इमेजेस सेलेक्ट करी थी उसमें से इसको करते हैं हम लोड, और यहाँ आ गए मेरे पास सारे कलर। अब मैं मान के चलता हूँ कि मुझे जो कलर कराना है वो ये वाला मेन कलर है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस कलर को हम करते हैं कॉपी, और अब हम जाते हैं यहाँ करेंगे कलर्स पे क्लिक, कलर व्हील पे जाएंगे, यहाँ पे हम कलर को क्लिक करेंगे, और ये कलर के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल गया। मतलब कि अगर मेन कलर ये है तो इसके सामने और किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कौन सा कलर दिखाना है,
और अगर मोनोक्रोमेटिक मतलब कि सेम ही कलर रखना है, कलर चेंज नहीं करना है, लेकिन सिर्फ उसका शेड सेम रखना है। अगर मतलब कि एग्जांपल के तौर पे एक अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो उसके अपोजिट ये कि सो दैट दोनों हाईलाइट हो सके। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम कलर के लाइटर शेड, मतलब कि अगर डार्क बेज है तो उसका लाइट बेज इधर आ जाएगा। तो हम जाएंगे और यहाँ करेंगे मोनोक्रोमेटिक, तो इसी के और लाइटर शेड हमारे पास यहाँ निकल के आ जाएगी। अब इसको चाहो तो आप यहाँ व्हील से स्क्रॉल कर सकते हो कि अगर आपको ये थोड़ा डार्क लग रहा है तो इसको आप लाइटर या शेड कर सकते हो, तो अपने आप कोड भी चेंज हो जाएंगे। ये देखो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ और वैसे वैसे कलर भी नीचे चेंज होते चले जाएंगे। सी ये कलर चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो कैसे आप एक्सेंट को बनाए रखना है। सेम ऐसे ही आप इसमें दुनिया भर के कलर्स को यूज कर सकते हो जहाँ पे आप उसी के सेम लाइटर शेड के कलर मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमने जाना कि पर्टिकुलरली एक फोटो हमने देखी जिसका मेन वॉल का कलर हमें मिल गया, उसको हमने अपलोड किया, उसका कलर निकाला। अब उसके सामने एक्सेंट कलर हमें कौन सा रखना है, मतलब कि वो 10% कैटेगरी वाला कलर कौन सा रखना है, वो आपको इजीली मिल चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डिजाइनर देख रहे हो कि एक मेन कलर को यूज किया है, उस एक मेन कलर के हिसाब से यहाँ पे दूसरे टाइप के शेड डाल रहे हैं। जैसे आप देखो कहीं ब्राउन का दिख रहा होगा, कहीं आपको हल्का सा लाइट क्रीम दिख रहा होगा, सीलिंग में व्हाइट दिख रहा होगा। तो मेन कलर को यूज करते हैं, वो कलर व्हील को यूज करके हमने इन चीजों को यहाँ यूज किया है। स्टेप जो 6 आता है वो होता है मेक द रिदम। दैट्स राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक बेडरूम के अंदर करीब 10 से 15 टाइप के कलर कर देते हैं। हमेशा रिदम बना के रखो, मतलब कि 3 कलर से ज्यादा कभी रूम में होने नहीं चाहिए और वो 3 कलर रिपीटेटिव होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा देखो, अब जो यहां तक लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के ये 3 स्टेप्स होने वाले हैं। यहां आपको मिलने वाली है मोस्ट हिडन सीक्रेट इंफॉर्मेशन। टेस्ट द कलर्स, मतलब कि जो कलर्स आपने चूज कर लिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी मोबाइल या लैपटॉप से ही अच्छे लग रहे हैं और एक्चुअल में होने के बाद कहीं खराब तो नहीं लगेंगे। तो इसमें जो ट्रिक 1 आती है, अपने कलर शेड को लो, उस कलर को आपको पहले अपने घर की जो एग्जिस्टिंग लाइट्स है उसके अंदर देखना है और उसके बाद दिन के टाइम उजाले में, मतलब कि डे लाइट में थोड़ा सा सूरज की रोशनी में ले जाके देखना है, क्योंकि लाइट ज्यादा और कम होने पे कलर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और अगर आप अपने घर में फ्रेश लाइटिंग करने वाले हैं, और जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बनाता हूँ हर बार बताता हूँ कि COB लाइट्स डालो ड्राइंग रूम एरिया में, और वो भी नेचुरल लाइट कलर की, इससे आपका घर मोस्ट लग्जेरियस फील देगा। जैसे मैं बताता हूँ, घर में चाहे 1 लाख डालो चाहे 1 करोड़, अगर लाइटिंग ढंग की नहीं डाली ना तो बहुत सारे पैसे बर्बाद है। लाइटिंग ऑलरेडी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उसे जरूर देख लेना। अब आता है थर्ड कि यार मनीष ठीक है लाइट में भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन अब इतने सारे कलर्स हमने सेलेक्ट तो कर लिए लेकिन करें कैसे। तब आपको एक बनाना है मटेरियल मूड बोर्ड, जो हम डिजाइनर्स बनाते हैं। मटेरियल मूड बोर्ड में क्या होता है कि सारे कलर्स को, मतलब कि सोफे का कलर, कुशंस का कलर, पर्दे का कलर, टाइल का कलर, वो सारे एक बोर्ड के ऊपर लगा दिए जाते हैं और देखते हैं क्या हमें सारी चीज कलर एक साथ देखने में मजा आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो मतलब कि कलर थीम बिल्कुल सही है। अब जो मैंने आपको मटेरियल मूड बोर्ड दिखाया है, इस मटेरियल मूड बोर्ड से इंटीरियर डिजाइन कैसा हुआ उसकी फोटो देखो। स्टेप 8 आता है डेकोर, मतलब कि अगर अब आप कहते हो यार मनीष इतना सारा कलर थियरी कैसे संभाले, कि हमें तो सिंपल सोबर चाहिए। ऑलरेडी वीडियो है व्हाइट थीम इंटीरियर, बेज थीम इंटीरियर, ग्रे थीम इंटीरियर, जिसमें मैंने सारे कलर कोड्स दिए हुए हैं। तो आप चाहो तो इन 3 सिंपल में कर सकते हो और सिंपल डेकोर से प्ले कर सकते हो, जिसमें व्हाइट बेसिस में या बेज या ग्रे बेसिस में सिर्फ कंटेम्प्रेरी कलर से प्ले करो और आपका घर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ज़्यादा कलर्स पे प्ले ही नहीं करना पड़ेगा। कुछ फोड़ देखो, अब मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ टॉप कलर पैलेट्स, मतलब कि बने बनाए कलर्स जो नेचर से या रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, और वो आपको यहाँ ले लेना है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।